आज जिसका ऐलान हुआ है कादियानियों को कौमी कमीशन बरात में शामिल कर दिया गया ये वजीर आजम के जुबान से जो ये ऐलान हुआ है हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्या दिन है हमारे हजारों शहीदों की रूहें तड़प उठी है जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए जाने दी थी कादियानीत नहीं। ये होने के साथ साथ भी है। हम खान के इस बयान को मुस्तरद करते हैं हम इसकी भरपूर मुजामत भी करेंगे इस कुरान के जेर साया खत्म नबूवत के लिए अपनी जाने देने को सादत समझते हैं और इस पर नबूत के लिए आखिरी सांस तक इन लड़ेंगे याद करेंगे ये उम्मत कुरान से वफादारी करेगी कुरान से टकराने वालों से कभी वफादारी नहीं कर सकती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब लब लब्बिका या रसूल अल्ला वसलम अलहमदिल्ल रबालमीन वसलात वसलामला ख़ा तमनबीन वाला आलि वसहाबी अजमाइन मौला वसलम दा इमन आबादा अला हबीबी का खैर ख़ल की कुलिमी नाजरीन सामियन हाजरीन वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कादियानियों के लिहाज से एक बड़ा फ़ैसला किया जा रहा है आज उनतीस अप्रैल वज़ी की तरफ़ से कादियानियों को नेशनल कमीशन बराए अकलियात में दाखिल करने का ऐलान किया गया है कौमी अकलीत कमीशन के अंदर कादियानियों को शामिल करने का ऐलान वज़ी अजम पाकिस्तान इमरान ख़ान ने इस बेस पर किया है कि चूँकि उन्हें गैर मुसलम अकलीत करार दिया गया था तो जिस तरह दीगर गैर मुसलम जो हैं वो उस कमीशन में शामिल हैं तो कादियानियों को भी उस कमीशन के अंदर शामिल किया जा रहा है इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के अंदर गहरी तशवीश पाई जा रही है तहरीक लब्क या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ़ से बंदा ना करोड़ों करोड़ों ने पाकिस्तान के इस मौक़ को वाज़ करना चाहता है कि कादयानी ग़ैर मुस्लिम ज़रूर हैं और बड़ी ज़द्द जहद से उनको आन में गैर मुस्लिम अकलीत करार दिया गया लेकिन कादयानी दीगर अकलियात की तरह ग़ैर मुस्लिम नहीं इनका गैर मुस्लिम होना और वजू से है दीगर अक्लियात मसलन हिंदू हैं सिख हैं पारसी हैं क्रिश्चन हैं वो गैर मुस्लिम हैं और कादानी जो हैं ये मरतद्द्दीन हैं यानी बुनियादी फ़र्क के लिहाज पर यूँ भी कहा जा सकता है कि बाकी जो हैं वो नान मुस्लिम हैं और कादियानी नाट मुस्लिम हैं कुछ लोगों ने ये अह भी इस्तेमाल की कादैानी हरगज़ दीगर अकलियात के बराबर नहीं तोले जा सकते और ना ही हुकूक के लिहाज से उनकी लिस्ट में इनको शामिल किया जा सकता जिस आइन पाकिस्तान का हवाला देकर इमरान ख़ान ने इनको इस कमीशन में शामिल करने का ऐलान किया है उसी आइन पाकिस्तान ने इस बात की वजाहत की है कि कादियानी किसी लिहाज से भी दीगर ग़ैर मुस्लिम अकलियात के मुसावी नहीं हैं क्योंकि हमारे आइन के अंदर कादियानियों के लिहाज से दीगर अकलियात के मुकाबले में इसनाई शिक्कें मौजूद हैं इम्तना कादियानियत आर्डीनन्स की शक्ल में और इसके अलावा भी कि जिसमें कादियानियों को इस्लामी शायर इस्तेमाल करने से सख्ती से रोका गया है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ हमारे आइन में मौजूद हैं पहली बात तो ये है कि अकलियात जो हैं वो गैर मुस्लिम अकलियात हैं यानी वो अपने आप को कभी भी मुस्लिम शो नहीं करते और ना ही वो कभी मुस्लिम होने का दावा करते हैं ये दावा ना कभी सिखों ने किया है ना कभी हिंदुओं ने किया है ना कभी क्रिश्चियन जो है उनकी तरफ़ से आया है ना पारसियों के तरफ़ से आया है जबकि कादयानी मुस्लिम होने के दावेदार हैं तो सबसे पहले तो कादियानियों को जो मुस्लिम होने के ये दावेदार हैं इनको इस दावे से दस्तबरदार कराया जाए कि ये अपनी ज़ुबान से ये तस्लीम करें कि ये मुस्लिम नहीं हैं तो इसके बाद फिर अगला स्टेप लिया जाएगा कि इनको किस कैटेगरी में शुमार किया जाए तो अब तक ग़ैर मुस्लिम अकलियात का जो कानून है उसमें वो अकलियात सारी हैं कि जो अपने आप को गैर मुस्लिम मानती हैं और कभी भी उनकी तरफ़ से मुस्लिम होने का दावा नहीं किया गया जबकि कादियानी जो हैं ये अपने आप को ग़ैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते और बल्कि अपनी तरफ़ से ये दावेदार हैं मुसलमान होने के तो इस बुनियाद पर बुनियादी डिफरेंस है इन में और ग़ैर मुस्लिम अकलियात में ख़ुद इनके अपने नुक़ः नज़र के लिहाज से हमारे लिहाज से ये है कि अगर आज किसी मोड़ पर ये ऐलान कर भी दें कि हम गैर मुस्लिम हैं तो इसके बाद भी हमें तहफ़ात हैं क्योंकि मिर्ज़ा की किताबों में और मिर्ज़ा के बेटे की जो तहरीरें उसमें मौजूद है कि जब इनसे कहा गया कि जब तुम मिर्ज़ा को नबी मानते हो तो हर नबी का अपना कलमा होता है तो तुम भी कोई अपना कलमा बनाओ तो इस पे वाज तौर पर इन्होंने ये कहा कि हम अपना कलमा तब बनाएं जब हमारा कलमा पहले मौजूद ना हो पूछा गया कौन सा कलमा तो इन्होंने कहा ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा ये हमारा कलमा है अस्तगफिरुल्लाह इन इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर सुम्मा सुज़ल्ला मिर्ज़ा कादियानी की शक्ल में दुनिया में आए और अब जो रसूलुल्लाह कहा जाता है तो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम हैं इससे मुराद बकौल मिर्ज़ा कादियानी और उसके बेटे के ये है कि यहाँ અ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સે મુરાદ સયદア આમિના رضی اللہ تعالی عنہા કે લખતે જગર હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલાયહી વસલ્લમ નહીં બલકે મિરઝા કાદિયાની મુરાદ હૈ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સે તો ઇસ બુનિયાદ પર ઇન કા હમારે સાથ વો ઝગડા હૈ જો કિસી અક્લિયત કા નહીં ના યહૂદી યે કહેતે હે કે લા ઇલાહ ઇલ્લાલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલાયહી વસલ્લમ યે હમારા કલમા હૈ ना क्रिश्चियन कहते हैं ना हिंदू कहते हैं ना सिख कहते हैं वो ग़ैर मुस्लिम हैं वो अकलियात हैं पाकिस्तान में मगर वो कलमे का हम से झगड़ा नहीं करते उन्होंने अपना बनाया हुआ है और ये वो मलून हैं कि जो हम से हमारा कलमा छीनना चाहते हैं और गोया कि उनके बकौल अब जो मिर्ज़ा मलऊ को नबी ना माने वो मुस्लिम ही नहीं मुस्लिम तब होगा जब मिर्ज़ा मलून को वो नबी मानेगा तो इस बुनियाद पर इमरान ख़ान को ये बात बिल्कुल दो टोक अल्फाज में हम कह रहे हैं कि ये दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं एक उनकी तरफ से और दूसरी हमारी तरफ़ से वो आज भी दावेदार हैं मुसलमान होने के वो आज भी दावेदार हैं इस चीज़ के कि वो मुस्लिम हैं तो सबसे पहले उन्हें इस दावे से दस्तबरदार करवाया जाए इसके बाद जो मिर्ज़ा की किताबों के अंदर ये जुमला कुफ्रिया मौजूद है कि वो कहते हैं कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा है ही हमारा मुसलमानों का ये कलमा यानी जो असल उम्मत है उनका कलमा नहीं वो कहते हम कादिनीों का ये कलमा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और अब ये मिर्ज़ा कादियानीानी के रूप में आए और ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम कादयानी का कलमा है नया तब बनाएं जब हमारा कलमा ना हो तो ये जो दूसरी सूरत हाल है इस लिहाज से भी इन्होंने खुद अपने आप को अकलियात जो पाकिस्तान में है उससे जुदा कर रखा है क्योंकि वो अकलियात हमसे कलमे पर झगड़ा नहीं करती और ये हमसे हमारा कलमा छीनने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं और इसी के ऊपर ये लाजिम आ रहा है कि फिर इनके बकौल अल्लाह उम्मत मुसलिम तब मुस्लिम बनेगी जब मिर्ज़ा को मानेगी और मिर्ज़ा को अगर नहीं मानते तो फिर ये ला इला इला ला ला महमदर रसूल सल्लाम इस कलमे की उमत मुसलिम जो है वह हक़दार नहीं हो सकती इस बुनियाद पर इतना बड़ा जुल्म ढा रहे हैं कादियानी मुसलमानों पर तो ऐसे जो िम हैं जो पहले ही मुसलमानों पर जो उम्मत मुसलिम है उनसे उनकी सबसे बड़ी शनाख्त छीनना चाहते हैं और ये छोटी दहशतगर्दी नहीं बहुत बड़ी दहशतगर्दी है जो अल एलान हो रही है और इसके पीछे अमरीका है बरतानिया है जो ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात में कि जब हमारी मीशत वेंटिलेटर पर है ऐसे हालात में कि लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में गुरबत जो है वो हर तरफ़ एक मौत की शक्ल इख्तियार कर रही है ऐसे हालात में कि उधर मुबारक का महीना है ऐसे हालात में कि उम्मत को इबादात की अदायगी के लिहाज से बहुत सी मुश्किल का सामना है ऐसे हालात में कि मुल्क में पूरे साल के गुजारे के लिहाज से भी फसलें गंदम की फ़सल पकी हुई है दफातर बंद हैं हर तरफ मशीनरी का पिया जाम है लेकिन इस दफ्तर को खोल कर ये एक नया फितना बपा करने का पीछे मकसद क्या है क्या गुजारा हमारा नहीं हो रहा था इस ऐलान के बगैर कि जो ये ऐलान इस रमज़ानमबारक में ज़रूरी समझा गया लॉकडाउन के अंदर इसे ज़रूरी समझा गया ऐसे हालात में कि जब मीशत जो है अचकोले खा रही है जब लोग भूख की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं ऐसे हालात में वज़ी अजम को ये ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई इससे हमारी वो तशवीश भी बिल्कुल सामने आ गई कि ये बीमारियाँ आती जाती रहती हैं कोरोना वायरस को आगे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा जिस तरह के इसराइल में कोरोना वायरस को बड़े मकासद के लिए जो इस्लाम के खिलाफ है इस्तेमाल किया जा रहा भारत में कोरोना वायरस को मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे ही हमने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की इस्लाम दुश्मन एजेंडा मुसलत करने के लिए कोरोना वायरस को इस्तेमाल किया जा रहा है ये हमारी जो तशवीश थी उसके मुताबिक आज ये बिल्ली थैले से बाहर निकल आई कि दीगर कितने करने वाले काम हैं मुसलमानों का मुक़दस महीना है और उधर अमनो अमान की सूरत हाल ये है कि ख़ुद धमाके हो रहे हैं फिर ये है कि बच्चियों का ख़वातीन का रोज़ाना का कत्ल हो रहा है इतने लोग कोरोना से नहीं मर रहे जितने बदकारी के नतीजे में बच्चियों, बच्चों को कत्ल करके मौत के घाट उतारा जा रहा है और खाने पीने के लिहाज से नोश के लिहाज से महंगाई हद से आगे गुजर चुकी है और लोगों को इफ्तारी, शहरी के लिहाज से बड़े प्रॉब्लम हैं और हमारे मुल्क के वजीर आजम को ये पड़ी है कि कादियानियों के मसाइल हल किए जाएं, कादियानियों को इस कमीशन में दाखिल किया जाए और उनके लिए फिर आगे तमाम मराहत के दरवाजे खोले जाएं अगर दीगर अकलियात के साथ इनको शामिल किया जाता है तो कल ये अलेक्शन भी लड़ेंगे एलेक्शन लड़ेंगे तो फिर वज़ीर भी बनेंगे फिर वज़ी बनेंगे तो वज़ी अजम या सदर बनने तक पहुँचेंगे फिर मुख्तलिफ दीगर जो इन पर पाबंदियाँ हैं आइन के लिहाज से वो सारी पाबंदियाँ भी उठ जाएंगी खुद ब खुद के पब्लिक मकाम पर यह अपने जलसे करें ये मुसलमानों के शायर इस्तेमाल करें यानी दूसरे लफ्ज़ों में आइन की जान निकालने के लिए ये एक चोर दरवाज़ा बनाया जा रहा है कि जिसके ज़रिए से कादियानियों को जो पहले ही दिन रात मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे हुए हैं उनको एक कानूनी शक्ल देने का ये रास्ता इख्तियार किया जा रहा है और इसके पीछे आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो फ़ौर मेरे दिल में ये बात खटकी जो पिछले पहर मैंने कानून से सुन ली कि आज अखबार में ये सबसे बड़ी सुर्खी लगी हुई थी अकलियात के लिहाज से अमरीकी कमीशन बरए बैन अलाकवामी मजहबी आज़ादी है हर साल वो अपनी एक रिपोर्ट शाया करते हैं पिछली सालाना रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया था आसिया मलूना की वजह से कि इन्होंने बड़ा काम किया है आसिया मलूना को इन्होंने रिहा कर दिया अब जो सालाना रिपोर्ट छपी है आज के अखबार में उसके अंदर करतारपुर राहदारी के लिहाज से पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाने के लिहाज से पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है हिंदू मंदिर दोबारा खोलने की वजह से पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है ये तीन बड़ी कामयाबियां उस इदारे ने हासिल की हैं पाकिस्तान से ये काम करवा के तो ये वाजे हुआ कि पाकिस्तान जो खुद अपनी मीशत के लिहाज से मौत हयात की जंग लड़ रहा है उससे इतने पैसे लगवा कर किस कुवत ने ये करतारपुर राहदारी बनवाई गुरु नानक यूनिवर्सिटी और ये मंदिर जो है इनकी तजीनों आराइ के ये सारे काम किसने करवाए ये अमरीका का इदारा है मज़बी आज़ादी का उसने पाकिस्तान से वो काम करवाए जो पाकिस्तान में कभी नहीं किए गए थे पहले और पाकिस्तान का आइन उनसे रोक रहा था और इधर ये हमारी हुकूमत अपनी कामयाबी के कसीदे पढ़ रही थी कि हम कामयाब हो गए हमने पहली बार ये कर लिया हमारी सफारतकारी ने यह किया है हमने ये मकासद हासिल कर लिए हैं तो पता चला कि गैरों ने इनको इस्तेमाल किया और वो अब इनको थपकी दे रहे हैं कि जो हमने तुम्हें कहा था तुमने पूरा कर दिखाया इसके साथ दूसरी दो चीजें उन पर नजर करने का पाकिस्तान ने वादा किया जिस पर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई वो दो चीज़ें जो हैं उनके लिहाज से मेरे दिल में ये आज सुबह अखबार पढ़ते हुए ये बात खटकी उसमें ये था कि मजहबी अकलीतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी मवाद के साथ साथ तालीमी मवाद पर नज़र षानी के पाकिस्तानी हकूमती इकदाम की तारीफ़ की है कि अमरीकी इदारे ने पाकिस्तान ने और दो काम किए हैं जो अभी मंजर आम पर नहीं आए लेकिन उन्हें पता है वो क्या है कि अकलियात के लिहाज से जो मवाद छपता है पाकिस्तान में उस पर नज़र षानी कर ली गई है कि वो मवाद नहीं छपेगा और जो छापेगा उसको फिर आइन के शिकंजे में लाया जाएगा और इसके साथ तालीमी मवाद यानी तालीमी निसाब के अंदर जो अकलियात के बारे में छपता है उस पर भी नजर कर ली गई है और अमरीका इस पर भी शाबाश दे रहा है अब इस नजर में सर फहरिस्त जो चीज है वो कादियानियों का कुफर है कादियानियों का अकीद खत्म नबूवत के इनकार की वजह से जो इरतदाद है वो चीज शामिल है यानी ये उन्हें बावर कराया गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं छपने देंगे कोई ऐसा मजमून नहीं छपने देंगे कि जो कादियानियों को काफिर करार दे जिसमें कादियानियों को काफिर करहा गया हो जिसमें कादियानियों के की कुफर की बात की गई हो चूंकि पहले इनको अकलियात के कमीशन में लाया जाएगा और अकलियात के कमीशन में लाकर फिर यह कि अकलियात के खिलाफ मुनाफरत फैलाने वाला मवाद नहीं होना चाहिए इस पर पाबंदी होनी चाहिए और इसके जिमन में यानी कादियानियों के खिलाफ जो आइन की दफात हैं उनको मुतल कर दिया जाएगा इस वजह से जो इनके खिलाफ आइन में बातें मौजूद हैं वो भी सारी डिलीट हो जाएंगी और इधर पूरे मुल्क के अंदर किताबें खुतबात मजामीन अखबार इन सब पर ये पाबंदी लगा दी जाएगी कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के लिहाज से इनके खिलाफ ना लिखा जाए ना बोला जाए क्योंकि अमरीका का अदारा जो बैनवामी मज़बी आज़ादी का उसकी तरफ़ से ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं और पाकिस्तान ने उन पाबंदियों को कबूल कर लिया ऐसे ही जो दरस निजामी का निसाब है ये तो अपनी जगह प्राइमरी का निसाब मिडल का हाई का एम ए तक पी एच डी तक उस सारे निसाब में ये चीज़ें माजल्ला निकाली जाएँगी जिनमें एक ये है कि इस्लाम दीन बरहक है और तुम यहूद को बातिल ना कहो तुम नसारा यानी क्रिश्चियन को झूठा ना कहो उन्हें भी कहो वो भी हक पर हैं हिंदुओं सिखों को भी तुम ये ना कहो कि वो झूठे हैं बातिल हैं वो काफिर हैं बल्कि उनके लिहाज से भी ये नरम गोशा रखो सिर्फ़ इस्लाम ही को तुम दीने बरहक न कहो बल्कि को अपने अपने तौर पर सारे ठीक है निसाब के अंदर ये उन अकलियात के लिहाज से तब्दीली करवाना और ये जो मरतद्दीन हैं इनको अकल्लियात के ज़ुमरे में शामिल करके फिर इनके खिलाफ बोलना तहरीरी तहरी, तकरीरी तौर पर उसे मुल्की आइन के लिहाज से एक जुर्म करार दिलवाने के लिए ये दो चीज़ें हैं जो उन्हें पता है कि इन्होंने काम उनको करके दे दिया है और हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ा उसे फिर मंजर आम पे लाया जाए इस बुनियाद पर यह रिपोर्ट जो छपी है अमेरिका की तरफ से एक साल की इस पर हमारा मुल्क का हुक्मरान तबका बगले बजा रहा है और मीडिया में भी तशहर की जा रही है कि पहली मरतबा अमेरिका ने इतनी तसीन की है और उधर भारत की अमेरिका ने तसीन नहीं की हालांकि भारत का अमरीका अगर तासीन ना करे तो बिगड़ता क्या है जब अमरीका उनका इतहादी है और अमरीका उनके जुल्म का पार्टनर है वो जो कुछ दिन रात कर रहे हैं कत्लो गत अमरीका की अंधी आंख को वो नजर ही नहीं आता तो अगर अमरीका उन्हें इवार्ड इस पर ना भी दे कि वहाँ पर अकलियात को हकूक हासिल हैं तो उनका तो मतलब हासिल है अमलन वो कोरोना को भी मुसलमानों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सूरत हाल के लिहाज से हमें कोई बगले बजाने की जरूरत नहीं हमारे हुक्मरान टोले को कि हमारी तारीफ जो वो कर रहे हैं तो इससे भी वो बात जाहिर हो गई जिसका हमें खतरा था कि हमारे मजहब में अमरीका मुदाखलत कर रहा है और उसने की है और हुक्मरान टोले ने वो मुदाखलत कबूल कर ली है और उसके नतीजे मुद्र से शाबाश आ रही है और अभी बहुत सी और चीजें हैं कि जो कि बाहर आएंगी लेकिन जो आज जिसका ऐलान हुआ है कि कादियानियों को कौमी कमीशन बरए अकलीत में शामिल कर दिया गया ये वजीर आजम के जुबान से जो ये ऐलान हुआ है हम ये समझते हैं कि यह पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जो कि स्या होना नहीं चाहिए था रमजान में होने की वजह से मुनवर दिन था मगर इसमें यह जो करतूत किया गया है हमारे हजारों शहीदों की रूहें तड़प उठी हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए जाने दी थी और हमारे अकाबरीन जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाया था और ये बताया था कि ये अभी इनका पहला स्टेप है और अगला स्टेप इनकी इर्तदाद को वाजे करने का है तो इस बुनियाद पर यह कह कहकर इन्हें कोई अगर छूट देता है खुदा खास्ता कि ये भी मुसलमानों के फ़िरकों में से एक फ़िरका है तो वो बंदा भी हद दर्जे का जाहिल भी है और इस्लाम का बागी भी है कादियानियत हरगिज़ मुसलमानों का कोई फ़िरका नहीं ये फितना ही फितना है और ये हरगिज़ मुसलमान नहीं बाकी ये गैर मुस्लिम हमारी अगर को देखे तो पंद्रह साल की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बात हम बार बार दोहराते आ रहे हैं कि इनका और बाकी गैर मुस्लिम का फर्क है वो सिर्फ गैर मुस्लिम है और ये गैर मुस्लिम होने के साथ साथ मुर्तद भी हैं कि जो पहले इस्लाम को छोड़कर कादियानियत में गए वो भी मुर्तद हैं और अब जो आगे उनकी नस्लें मुर्तद्दीन की हैं वो भी मुर्तद हैं इस बेस पर कि वो हमारा कलमा इस्तेमाल करते हैं हमसे हमारा कलमा छीनते हैं और वो हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं सबसे बड़े उन पर ये डाका डालने वाले मुजरम और दहशतगर्द हैं क्योंकि ऐसी दहशतगर्दी ना हिंदू करता है ना सिख करता है ना क्रिश्चियन करता है ना पारसी करता है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में जैसी दहशतगर्दी का दयानी कर रहा है कि ये हमसे हमारा कलमा छीन रहे हैं छीनते हैं और छीनने में लगे हुए हैं लिहाजा हमारे हुक्मरान अमरीका को यह वाजे कर दें कि इनके मजहबी हकूक हमसे तुम किस मुंह से मांगते हो यह तो पहले ही ालिम है हमारे हक छीने हुए हैं हमारा कलमा छीनने के लिए उन्होंने किताबें लिखी हुई है और मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा हुआ है फिर आगे सब ने लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो इनसे इस दहशत गर्दी का हिसाब लिया जाए उसके बाद आगे बात हो कि इनका कौन सा हक हमने छीना है जो हमसे ये मांगना चाहते हैं तो इस बुनियाद पर हम सौ फीसद इमरान खान के इस बयान को मुस्तरद करते हैं और इससे बिल्कुल किसी तरह भी सौ में से एक फीसद भी इतफाक नहीं किया जा सकता और ये सरासर है, ज्यादती है और यही हमें ख़तरा था कि ये लॉकडाउन करके मदारस बंद करके मसाजिद बंद करके जुमे बंद करके इजतम बंद करके ये कोई ऐसा ज़रूर हरबा आजमाएंगे काम करेंगे कि जिससे कोरोना के जो दरपर्दा मकासद हैं वो पूरे हों तो आज वो हमारी बात सामने आ गई कि कोरोना को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया बीमारी तो बीमारी होती है लेकिन उसके ज़रिए से अपने गलत मकासद पूरे करवाना ये जो कुछ आज सामने आ गया है और अभी ना जाने इस पर आगे क्या कुछ हो सकता है ये सारी सूरत हाल उन उलमा को भी देखनी चाहिए जो दिन रात हुकूमत के लिए लोगों में जा मीटिंगें कर रहे हैं फतवे दाग रहे हैं और अपनी तरफ से एक रास्ते मदीना का शायद वहम रखते हैं कि वो बन जाएगी वह अब सोचें कि ऐसा बड़ा ऐलान जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कादियानियों की हिमायत में हुआ तो ऐसे हालात में क्यों हुआ पहले छुप छुप के किया जाता था अब क्या तलेरी आ गई कि अल ऐलान किया गया वो पहले छुप छुप के आम लोगों को करता था अब वजीर आजम ने बरमला वही काम क्यों कर लिया उन्हें क्या लगा कि मुसलमानों में क्या कमी आ गई है या इनके हाथ पांव कितने बांधे जा चुके हैं तो इस बुनियाद पर हम अपनी तरफ से इस ऐलान को मुस्तरद कर रहे हैं सिर्फ मजम्मत ही नहीं कर रहे मुस्तरद भी कर रहे हैं और आइनी तौर पर अगर इसको आगे लाया जाता है तो अल्लाह के फजल से हम इसकी भरपूर मुजामत भी करेंगे ये हमारे आइन हमारे ईमान हमारे कुरान का मसला है और जो कुत भी कुरान से टकराएगी ईमान से टकराएगी वो यकीनन पाकिस्तान से भी टकरा रही होगी तो उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है लिहाजा हम इस दीन की खातिर इस कुरान के जेर साया खत्म नबूवत के लिए अपनी जानने देने को सादत समझते हैं और इस पर खत्म नबूवत के लिए आखिरी सांस तक इन लड़ेंगे याद करेंगे और अकीदा खत्म नबूवत का आइने पाकिस्तान के अंदर जो शिके हैं उनकी हिफाजत अपने एक एक कतरे के जरिए से करेंगे और हकूमत भूल में ना रहे जो भी इस कुरान से टकराया है उसको जमाने ने आजमाया है कि उसने फिर हमेशा अपने बड़ों से भी धोखा खाया है जो अमेरिका की शक्ल में उनसे काम करवाते हैं और फिर उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं आज वक्त है कि इस तरह की कोई रवश हुक्मरान ना अपनाएं कि जिसकी वजह से कुरान से टकराव लाजिम आए ये उम्मत कुरान से वफादारी करेगी कुरान से टकराने वालों से कभी वफादारी नहीं कर सकती अल्लाह ताली हम सब को आखिरी सांस तक अकीद खत में पर पहरा देने की तोफ़ी अतः फ़रमाए वह आखिर दावा या